आज हम सीखेंगे डीपी इमरजेंसी बिग लाइट में किस प्रकार हम चार पांच बैटरी को कम बैटरी में कन्वर्ट करेंगे और कैसे लगाएंगे। इस पे लगा है चार या पांच बैटरी लगा है, तो इससे सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद देखिए ये इतना बैटरी लगा है, ये सब डिस्चार्ज हो चुका है। तो सबसे पहले अगर डीपी लाइट नहीं जलता है तो सबसे पहले हमें खोल के देखना चाहिए कि इस पे किट तो सब सही होगा। अगर किट सही है तो हमें बैटरी को सबसे पहले उसमें वोल्टेज चेक कर लेना पड़ेगा। तो मैं आपको मीटर पे दिखाता हूँ वोल्टेज, तो इस पे वोल्टेज नहीं आ रहा था, मैंने चेक करके देखा। तो मैं इसके जगह तीन बैटरी लगाऊंगा इस चार पांच बैटरी की मदद से, जो इसका MAH इससे ज़्यादा होगा तो ये नहीं लग सकता। तो ऐसे में डीपी लाइट को कैसे करेंगे, इसके लिए हमें इसको एडजस्ट करके लगाना पड़ेगा कि इसमें किस प्रकार से बैटरी आ सकता है। तो सबसे पहले इसके सभी तरफ के प्लास्टिक कवर को हम कटर की मदद से, प्लास की मदद से अच्छी तरह से काट लेंगे ताकि इस पर बैटरी लग सके। तो इस पर जो बैटरी लगा था वो इसका 4 वोल्ट के आसपास था, जो इसका MAH बहुत कम कम था और ज़्यादा बैटरी लगा दिया था। तो इसमें मैं तीन बैटरी लगाऊंगा जो इससे इसकी MAH ज़्यादा होगा और ये टिकाऊ भी इससे कई गुना ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार हम इसको जगह को अच्छी तरह से काट लेते हैं और इसे सोल्डिंग की सहायता से इसे अच्छी तरह से साफ कर लेंगे ताकि इसमें बैटरी अच्छी तरह से लगाती बन जाए। ज़्यादातर डीपी इमरजेंसी लाइट में बैटरी की ही प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रकार में आज आपको ये ऐसा डीपी लाइट है जो होटल में, घर में, खाने के टाइम, छोटे से कमरे में या किसी रूम में हम ऊपर इसे लगा कर, इसमें एक रस्सी लगा है जिसके एडजस्ट से हम लाइट को उसे टच किए बिना नीचे से ही इसको चालू बंद कर सकते हैं। इस प्रकार की लाइट आपको दुकान में अवेलेबल होता है जो ज़्यादातर बहुत रोशनी देता है, जो प्रकाश से भरपूर आपको एक बल्ब की तरह, एक लाइट की तरह ये वर्क करता है। तो इसके लिए अच्छी बैटरी का होना इसके लिए ज़रूरी होता है ताकि लंबे समय तक अपनी प्रकाश को देता रहे। तो देखिए मैं इसको पहले मीटर से चेक कर लेता हूँ। देखिए वोल्ट आ रहा है, ये 4 वोल्ट का बैटरी है। सभी बैटरी को अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। अब मैं इसको बैटरी को यहाँ एडजस्ट करके लगाना है मेरे को। तो इसे कैसे लगाएंगे, तो ये पैरेलल बाई बैटरी जुड़ेगा, तीनों बैटरी पैरेलल कनेक्शन, यानी सब बैटरी का प्लस और माइनस को सबसे पहले देखना है, उसको अच्छी तरह से स्क्रैच करके उसको मैं सोल्डिंग से कर देता हूँ और इस पर तीनों बैटरी के प्लस प्लस पॉइंट को एक साथ पैरेलल में कनेक्शन कर देना है। तो देखिए ये भी बैटरी पैरेलल में कनेक्शन है, प्लस का प्लस में, माइनस का माइनस में, इसी प्रकार चार पांच बैटरी ऐसे जुड़े हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले निकाल देता हूँ और देखता हूँ कि ये कौन सा पॉइंट है प्लस का। तो मैं इसको सबसे पहले प्लस में कनेक्ट करना है, तो इसको मैं कर देता हूँ, यह है माइनस पॉइंट का और ये प्लस पॉइंट का। तो इस प्रकार से पैरेलल में कनेक्शन इस बैटरी को हम सभी को अच्छी तरह से सावधानीपूर्वक सोल्डिंग की सहायता से निकाल देंगे और इसे बैटरी पे कनेक्शन करेंगे पैरेलल कनेक्शन। तो इस प्रकार से जो प्लस है वो प्लस जोड़ेंगे। ऐसा नहीं जोड़ना है कि
एक बैटरी का प्लस जुड़ गया, एक बैटरी का माइनस जुड़ गया, इससे बैटरी शॉर्ट हो सकता है और वो उसकी डिस्चार्ज हो जाएगा बैटरी, और वो उस पे जितने भी चार्ज होगा वो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो इस सहायता से हम इसमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट प्लस है और कौन सा पॉइंट माइनस है। तो इससे मैं सबसे पहले दो दो वायर कनेक्ट तो कर इसे लेता हूँ मैं बैटरी में, अच्छी तरह से प्लस का प्लस में, माइनस का वायर माइनस में, को अच्छी सभी तरह से माइनस प्लस को इस प्रकार अच्छी इसे तरह से खोलूँगा कनेक्ट और दो दो कर वायर देता हूँ सभी बैटरी पे ताकि इसे मैं कनेक्ट रख पैरेलल में दूँगा। कनेक्शन कर सकूँ। तो इसे सावधानीपूर्वक कनेक्शन कर देना है वायर को, ये बहुत पतला वायर होते हैं, तो ये वायर के कनेक्शन हम पैरेलल कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार तीनों में मैंने दो दो वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब इसमें देखिए इसको कैसे पैरेलल में कनेक्शन करना है, मैं बताता हूँ। जैसे इसमें का देखिए ए प्लस और माइनस, तो दोनों को मैं प्लस का प्लस में दूसरे बैटरी के कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार, और माइनस पॉइंट को माइनस के साथ कनेक्ट कर दूंगा इस प्रकार। ये पैरेलल कनेक्शन होता है जो आप आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। देखिए अब इसमें दो पॉइंट बच गया और ये जाएगा तीसरे बैटरी में। देखिए ये बच गया दो वायर प्लस माइनस का, ये आ गया तीसरे वायर में और यहाँ कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कनेक्शन कर देते हैं दोनों वायर को। फिर तीन बैटरी का कनेक्शन पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा। देखिए इस प्रकार मैंने बैटरी का कनेक्शन अच्छी तरह से पैरेलल कनेक्शन कर लिया है। अब मैं इसको माइनस प्लस को कनेक्ट कर देता हूँ। जो वायर बैटरी के लिए आया था माइनस और प्लस का प्लस में करेंगे और माइनस का माइनस में। इसके बाद लाइट ओके हो जाएगा और इसे हम अच्छी तरह से इस पर एडजस्ट करके लगाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से वर्क कर सके। तो देखिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इसे यहाँ अच्छी तरह से रख देता हूँ बैटरी को सावधानीपूर्वक। वायर को ध्यान में रखते हुए बैटरी को अच्छी तरह से मैंने इस पे चार पांच बैटरी लगे थे तो उसको मैंने निकाल कर तीन बैटरी लगाया हूँ न्यू। तो इसे मैं एक स्टिकर लगा है चिपकाने वाला, जाके बैटरी ना हिले और ना टूटे। तो इसको मैं अच्छी तरह से निकाल लेता हूँ और बैटरी के नीचे प्लास्टिक पे चिपका देता हूँ ताकि बैटरी ना हिले और लंबे समय तक टिक सके। तो इस प्लास्टिक को तीनों बैटरी में लगाने के बाद तीनों बैटरी में लगा दिया। अब इसको अच्छे तरह से व्यवस्थित कर देते हैं और कवर को लगाते हैं और जला के देखते हैं कि एडीपी लाइट वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए ये इसके पॉइंट है, इसको खींचने पर ये ऊपर रहता है तो हमें उसके स्विच को पहले ऑन कर देते हैं और देखिए ये काम वर्क कर रहा है खींचने पर और बंद हो जा रहा है। तो इस प्रकार हम इसे ऊपर रख कर नीचे से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए रस्सी रस्सी से भी कनेक्ट होगा, वैसे स्विच लगा है इसमें। तो इसे हम अच्छी तरह से अब इसके नट वट लगा देते हैं। अब इसको देखते हैं जला के कि वर्क करे कि नहीं। देखें ऑन करते हैं, ये रस्सी से ऑन ऑफ हो रहा है। इस प्रकार आप घर पे ही किसी भी इमरजेंसी डीपी लाइट पे ये प्रॉब्लम आए तो आसानी से आप
आपको सेम साइज की बैटरी ना मिले तब भी आप बना बना